वेलकम टू माय चैनल आपरी श्रीवास्तव। जैसा कि लॉकडाउन का होमवर्क आप एलकेजी का इस चैनल पर देख सकते हैं, आज मैंने नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए भी लॉकडाउन होमवर्क रेडी किया है। तो मेरा लॉकडाउन में बच्चों का फर्स्ट मेरा जो है वो है मैथ्स द कैपिटल लेटर विद्या पिक्चर्स। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वो वर्कशीट्स है जो बहुत ही ईजी में बच्चे बहुत आराम से बहुत फास्ट भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी डू कर देंगे। और जितना ये इतना इजी रहता है कि बच्चे इसको फन के साथ भी बहुत ही फन के साथ इस चीज़ को करते हैं और बच्चे बहुत इजी वे में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे बहुत इजी वे में सब कुछ सीख जाएंगे अगर आप इस ट्रिक से बच्चे को टीच करती हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे को। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर फोर लेटर का यूज़ किया है। अब स्टार्टिंग में हम फोर लेटर का ही यूज़ करके बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ए बी सी डी यहाँ मैच करने के लिए दे दिया, मतलब कि हमने बता दिया बच्चों को ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है। अब बच्चे को अपने आप इस चीज़ को मैच करना है। जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है तो आप एक उस बच्चे को डू करके दिखाइए कि ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चे को ए फॉर एप्पल पे मैच करना है। इसी तरह से फिर पूछिए बेटा बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बॉल होता है, तो बी फॉर बॉल से मैच कर दीजिए। सी फॉर क्या होता है, सी फॉर कैट होता है, तो सी फॉर कैट से मैच कर दीजिए। डी फॉर क्या होता है, डी फॉर डॉग होता है, डी फॉर डॉग होता है, तो डी फॉर डॉग से मैच कर दीजिए। इस तरह से आपके बच्चे ने इसको क्या किया, एक मिनट में बच्चा आपका इस चीज़ को सीख गया कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है। इसी तरह से आप एक और एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे कि सर्कल द करेक्ट अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। इस एक्टिविटी से भी आप बच्चे को रिकॉग्नाइज अच्छे इजी वे में करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एप्पल भी होता है। अगर आपने ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल दोनों बताया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने ए फॉर एप्पल की, ए फॉर एरोप्लेन की पिक्चर लिखी है और यहाँ मैंने थ्री ऑप्शन दिए हैं बी ई ए। अगर आपका बच्चा जानता होगा कि ए फॉर एरोप्लेन होता है तो ए फॉर एरोप्लेन पे वो सर्कल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर डक की पिक्चर है, डी फॉर डॉग भी होता है, बी फॉर डी फॉर डग भी होता है, तो डी फॉर डॉग की पिक्चर ना बना के मैंने डक की पिक्चर बनाई। इस तरह से बच्चे को क्या होता है, जो ये अल्फाबेट से कई वर्ड्स होते हैं बच्चे को रिकॉग्नाइज होंगे। जैसे कि बी फॉर डॉग, बी फॉर डक होता है नो, सी फॉर डक होता है नो, डी फॉर डक होता है यस, तो डी फॉर डक होता है, इसीलिए हम डी फॉर डक पर। इसी तरह मैंने यहाँ पर कैट की पिक्चर दी है और बी एच सी ऑप्शन दी है, बच्चे को इसको रिकॉग्नाइज करके कि किससे होता है, बी फॉर कैट होता है, एच फॉर कैट होता है या सी फॉर कैट होता है, तो सी फॉर कैट होता है, तो बच्चा किस अल्फाबेट को रिकॉग्नाइज कर लिया कि सी फॉर कैट होता है, तो सी पे बच्चा सर्कल करेगा। इस तरह से बच्चा अल्फाबेट भी आपका रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है, अभी हमने क्योंकि फोर ही लेटर बच्चे को रिकॉग्नाइज कराया, फोर ही लेटर बच्चे को राइट करना सिखाया है। नर्सरी के बच्चे को एक साथ ए से लेकर जेड तक नहीं सिखा दीजिए, आप फोर लेटर लेकर ही चल के बच्चे को इजी वे में हम समझा सकते हैं और बहुत ही इजी और फन के साथ। जैसे कि मैथ्स द करेक्ट अल्फाबेट्स विद योर पिक्चर्स, यहाँ मैंने पिक्चर्स मेक कर दिए। अब बच्चे को फिर वही एक्टिविटी करनी है, मैच करना, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अल्फाबेट के लिए हाँ मैंने राइट कर दिया है। अब बच्चा अब इसको सर्च करके मैच करेगा, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इसी तरह से ले लीजिए नेक्स्ट, राइट द कैपिटल लेटर फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर पिक्चर्स मेक कर दिया, अब बच्चे को इसका अल्फाबेट सेट करना है। जैसे ए फॉर एप्पल होता है तो ए राइट करेंगे, बी फॉर बॉल होता है तो बी राइट करेंगे, सी फॉर कैट होता है तो सी राइट करेंगे, डी फॉर डॉग होता है तो डी राइट करेंगे। इस तरह से इजी वे में बच्चे को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।